सब्सक्राइब हरियाणा बीट्स एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। देखें हरियाणवी गानों के साथ साथ अपने पसंदीदा शोज। हरियाणवी डीजे किंग अजय हुड्डा रोहतक में स्टेज पर अपना जलवा दिखाने के बाद यूपी के मेरठ में जनता के बीच पहुंचे। यहां पर भी उन्होंने अपने अपकमिंग सॉन्ग रोहतक के मेले में गाने पर जमकर डांस किया। अजय हुड्डा की लाइव परफॉर्मेंस देखकर जनता का उत्साह देखते ही बन रहा था। हरियाणवी सुपरस्टार राज मावर और गुलाबी क्वीन प्रांजल दहिया पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे अपकमिंग सॉन्ग बाबा भोला में। इस गाने को राज मावर ने ही गाया है और अभिनय का जिम्मा भी खुद ही संभाला है। प्रांजल के लिए ये पहला मौका होगा जब वे राज मावर के साथ अभिनय करेंगी। हालांकि इससे पहले प्रांजल राज मावर के साथ फुकरी ना मार सॉन्ग में नजर आ चुकी हैं, लेकिन उस वक्त गाने में राज मावर की आवाज थी और अभिनय का जिम्मा संभाला था बिंदर दनोदा ने। अब बाबा भोला गाने में राज मावर और प्रांजल की जोड़ी दर्शकों को कितना पसंद आती है ये तो वक्त ही बताएगा। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पिछले दो सालों से कोरोना वायरस महामारी की मार झेलती आ रही है। अब तक कोरोना की वजह से मेकर्स के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं। इन दिनों कोरोना केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से फिल्म निर्माता अपनी अपकमिंग मूवीज की रिलीज डेट बदलने की सोच रहे हैं। फिल्म जर्सी के निर्माताओं ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। ताजा जानकारी के अनुसार शाहिद कपूर की अपकमिंग मूवी जर्सी 31 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीजिंग डेट को भी टाल दिया गया है। हिंदी सिनेमा जगत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना ने उनके साथ बिताए बचपन के समय को याद करते हुए बेहद ही भावुक पोस्ट लिखी है। ट्विंकल खन्ना ने पिता राजेश खन्ना की बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करते हुए उनके साथ अपने बचपन की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में ट्विंकल अपने पिता राजेश खन्ना के गाल पर किस करती नजर आ रही हैं। सबसे खास बात यह है कि ट्विंकल और राजेश खन्ना का बर्थडे एक ही दिन होता है। ट्विंकल की इस पोस्ट पर फैंस भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कमिंग सून हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा म्यूजिक।